अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है पीएच मीटर। चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसके बाद अर्डिनो का कोड है, इसके बाद सिमुलेशन की फाइल है। तो सिमुलेशन की फाइल को अपने प्रोटियस 8.12 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन की फाइल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद पीएच सेंसर यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज़ की हुई है, एलसीडी की कंट्रास्ट सेटिंग के लिए 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए अर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने अर्डिनो आईडी भी ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है अर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड को कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड मेरा कंपाइल हो गया हुआ है। यहाँ से आपने एक्सेल का एड्रेस कॉपी करना है। अब आपने सिमुलेशन में जाना है, यहाँ से आपने अर्डिनो को क्लिक करना है, एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं, फर्स्ट मैसेज एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिलीसेकंड रिले के लिए। इसके बाद फर्स्ट लाइन में हमने पीएच की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है और सेकेंड लाइन में हमने स्टेटस अपडेट किया हुआ है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से 8 के दरमियान होगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एलसीडी पे डिस्प्ले करना है न्यूट्रल, 8 से अबव जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एलसीडी पे अल्कलाइन डिस्प्ले करना है। और इसी तरह ही जब 7 से ड्रॉप होगी तो इसने एसडी डिस्प्ले करना है। पीएच सेंसर से हम पीएच की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करके टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि ये वैल्यू 7 से ड्रॉप हुई है तो उस कंडीशन के ऊपर एलसीडी पे एसडी डिस्प्ले हो गया हुआ है। अब जैसे जैसे वैल्यू, जैसे ही पीएच की वैल्यू 4 से ड्रॉप होगी तो उस कंडीशन के ऊपर एलसीडी पे वेरी एसडी डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसी तरह ही जब हम यहां से पीएच की वैल्यू इंक्रीज करेंगे और 8 से अबव जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर एलसीडी पे अल्कलाइन डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे ही ये वैल्यू 11 से अबव गई है तो उस कंडीशन के ऊपर एलसीडी पे वेरी अल्कलाइन डिस्प्ले हो गया हुआ है। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है, इसके बाद अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद पीएच सेंसर यूज़ किया हुआ है जो कि अर्डिनो की 0 पिन के साथ अटैच है, इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज़ की हुई है, एलसीडी की कंट्रास्ट सेटिंग की पिन पे 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है, इसके बाद एलसीडी की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16, 16 को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और 15 पे पॉजिटिव से अनोडम की रिस्टेंस सीरीज में यूज़ की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी के लिए लाइब्रेरी इंक्लूड की हुई है। इसके बाद एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 7। इसके बाद पीएच सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 0। इसके बाद यहाँ पर हमने पीएच वैल्यू को कैलिब्रेट करने के लिए वेरिएबल दी हुई है। इसके बाद ये नीचे वेरिएबल दी हुई है, नीचे यूज हो रही है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। एलसीडी क्लियर करके फर्स्ट मैसेज एलसीडी पे डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिली सेकंड रिले के लिए। इसके बाद अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले हम पीएच सेंसर की पिन को एनालॉग रीड कर रहे हैं। पीएच सेंसर की पिन से हम 10 मिली सेकंड रिले पे एक सैंपल गेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 सैंपल गेट किए हुए हैं एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। इसके बाद इस वेरिएबल को आगे हमने फॉर्मूले के थ्रू पीएच में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम वोल्टेज दिए हुए हैं और मैक्सिमम एडीसी की वैल्यू दी हुई है। अर्डिनो यूनो के अंदर 10 बिट का एडीसी होता है। एडीसी की पिन पे हम जब 5 वोल्ट सिग्नल देते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर इसने डिजिटल में जो वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है 1020 प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पर हमने पीएच वैल्यू की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इस वेरिएबल के अंदर हमने कैलिब्रेशन की वेरिएबल मर्ज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हम पीएच वैल्यू की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके बाद एलसीडी की फर्स्ट लाइन पे हमने पीएच की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है। इसके बाद सेकंड लाइन में हमने पीएच की वैल्यू के मुताबिक लिक्विड का स्टेटस अपडेट किया हुआ है। इसके बाद 1000 मिली सेकंड का डिले है। 1000 मिली सेकंड डिले पे लूप हमारा रन होता रहेगा। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है पीएच सेंसर को कैलिब्रेट करने के लिए। पीएच सेंसर पे कैलिब्रेशन की पोटेंशियोमीटर होती है। अगर वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं है तो उस वेरिएबल से हम कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। अगर वैल्यू में ज्यादा फर्क होगा तो उस कंडीशन के ऊपर हम यहाँ से कैलिब्रेशन की वेरिएबल्स को अप या डाउन करके पीएच सेंसर को कैलिब्रेट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।